दही जमाने के लिए जामुन की जरूरत पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि जब हम दही जमाने लगते हैं तो घर में जामुन नहीं होता। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही अनोखा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हम घर पर ही जामुन बना लेंगे और फिर जब चाहे हम दही जमा सकते हैं और दही भी बहुत ही बढ़िया जमेगा और साथ में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वो तरीका है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दही जमाने की बात कर रही हूं और आपको दिखा रही हूं बादाम। जी हां, आज मैं आपके साथ बादाम से ही दही जमाने का तरीका शेयर करने वाली हूं। घर पर ही जामुन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दही चाहिए, 2 से 3 चम्मच काफी है और 4 से 5 बादाम की गिरी चाहिए। और बादाम की गिरी को दही में हम डाल देंगे और दही इतना होना चाहिए जिसमें कि बादाम की गिरी अच्छे से डिप हो सके। अब इसको 5 से 6 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। दही में बादाम की गिरी को भिगोकर रखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं और बादाम भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन बादाम की गिरी को बाहर निकाल लेंगे और इसे पानी में से एक बार धो लेंगे। बादाम की गिरी को धोकर हम इसको थोड़ी देर के लिए सुखाएंगे। बादाम की गिरी को मैंने थोड़ा सा सुखा लिया है। अब कोई भी एक डिब्बी लेंगे और उसमें डालकर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो ये बादाम की जामुन बनकर तैयार है। अब जब भी आपको दही जमाना हो तो आप इनसे दही जमा सकते हैं। मैं आपको दही जमाकर भी दिखाती हूँ। दही जमाने के लिए मैंने हॉट केस लिया है। आप मौसम के अकॉर्डिंग बर्तन ले सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इस तरह से हॉट केस में दही जमा सकते हैं और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप किसी भी बर्तन में दही जमा सकते हैं। इसी तरह से दूध भी आप मौसम के अकॉर्डिंग ही लें। अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म दूध लें और अगर गर्मियों का मौसम है और दही जमाना है तो आप हल्का गुनगुना दूध लें और दूध को एक बार इस तरह से फेंट लें तो दही बहुत ही अच्छा जमता है। दूध को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से फेंट लिया है। अब दूध को हॉट केस में डालेंगे और फिर जो बादाम हमने दही में भिगोकर सुखाकर डिब्बी में डालकर फ्रिज में रखे थे वो बादाम लेंगे। बादाम की गिरी को हम दूध में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे और फिर ढक्कन लगाकर हम दही जमने के लिए रख देंगे। तो मौसम के अकॉर्डिंग ही आप जगह चुनें। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप बर्तन को किसी ऐसी जगह पर रखें जो थोड़ी सी गर्म हो, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर रख दें, और अगर गर्मियां है तो आप इसे बाहर ही रख सकते हैं। इसी तरह से अगर सर्दियों का मौसम है तो इसे जमाने के लिए, दही जमाने के लिए 6 से 7 घंटे लग सकते हैं और अगर गर्मियां है तो 2-2.5 घंटे के अंदर भी दही जम जाता है। तो अब हम इसे माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे। दही जम चुका है, वो भी बादाम की जामुन से। तो दही को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करें तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। मैं आपको सीधा ही दिखा रही हूँ, फिर भी ये बहुत अच्छा सेट हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसको चम्मच से भी दिखाती हूँ और ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें, इस तरीके से दही बनाकर देखें और फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करें। और जैसे आपको इसमें से बादाम मिले तो आप उन बादाम को फिर से धोकर सुखाकर डिब्बी में डालकर फ्रिज में रख लें और जब चाहें दही जमाएं। ऐसा आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, उसके बाद बादाम चेंज कर लें। बादाम की गिरी से दही जमाने का ये अनोखा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।